चिकन खाना तो आप सभी को पसंद होगा, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हिंदराव बारा के अल खातिर में, जिसे नॉनवेज का हेवन भी कहा जाता है। और लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ का नॉनवेज खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे होने वाले यहाँ की यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेग रख दिया, इतनी बड़ी डेग में यहाँ पे बिरयानी बनने वाली है। तो कितना किलो चिकन होगा? 6 किलो। 6 किलो चिकन है। ये डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हो गई कटी हुई अदरक, ये हो गई दालचीनी, और ये आ गया नमक, ये हो गया पानी। तो अभी क्या इसकी अखनी बनाई जा रही है? जी अखनी हो रही है भाई, इसको हल्का सा उबाल देना, अभी हो रहा है इसका मसाला तैयार। सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें? दही, हो गई चीनी, चीनी रंग के वाले रंग होता है कड़वा, ये हो गया दर्द का रंग। अच्छा ये खाने वाला रंग होता है जी। ये क्या डल गया इसमें? केवड़ा। केवड़ा उबल गया चिकन, इसको सिर्फ 2 मिनट उबालना होता है, अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो इतनी जल्दी उबल कैसे गया ये? इसको हल्का सा उबालना दे रहा होता है, वरना घुल जाएगा सारा चिकन, हल्का होता है ये। अब ये क्या डल रहा है? लाल मिर्च, ये आ गई लौंग इलायची, सब कुछ अंदाज से डालेगा। क्या मिर्च का अचार, ये क्यों डलता है? ये चटपटी गई हमारा, कैसे पटक पटक के डाला जा रहा है चारों तरफ, छटक के क्यों डाला जाता है? ताकि अंदर तक अंदर तक चले। तो ये इसके अभी चावलों का पानी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चावल है उसको कपड़े की मदद से छाना जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पतीला पूरा खाली, इसके बाद ये चावल डल रहे, तो इसी कपड़े में छाना जाता है जी। और ये हो गया, अब इसको चारों तरफ कर देंगे। तो कपड़े से ही फैलाएंगे इसे जी, ये चावल का ही कपड़ा है बस। तो ये खुशबू तो अभी से आनी शुरू हो गई है, और ये नीचे कोयलों पे रखी जाएगी, कोयलों पे दम पे आ जाती है बढ़िया। अब इसमें हम अखनी का पानी डालेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे देखते हैं बिरयानी की डेग जो है वो बन के रेडी है, तो उसको साइड कर दिया गया है। ये चिकन को यहाँ पे चिकन डल रहा है, कितना किलो चिकन रहने वाला है? 8 किलो। पूरा पतीला भर के चिकन डल गया, और यहाँ दूसरा भी डलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो चिकन डलने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से घुमाया जा रहा है, नारियल का पाउडर है तो इसको मिलाया जा रहा है। भाई देख सकते हो जो उसका कलर आया है वो बहुत मजेदार आ गया। तो मुझे बताओ इसको खाया किसके साथ जाता है? ये खमीरी रोटी, ये चिकन कोरमा, ये बिल्कुल तैयार है। कितना किलो मटन कोरमा बनने वाला है इसमें? 2 किलो। तो ये दही कितनी पड़ेगी? दही 1 किलो, हमें मिर्ची पाउडर, ये डल गया, ये हो गया धनिया पाउडर। अरे वाह भैया, मुझे बताओ जैसे रोजे नहीं है तो आप बिना चखे कैसे बना लेते? ये अंदाजा हो जाता है, रोजाना का काम है ना ये। ये क्या डल गया? ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फेटने के लिए इसी का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? इससे बढ़िया करके फिट जाता है, ये है ना दाना दही का, ये मिट जाता है। तो ये क्या डल रहा है इसमें? ये मटन। ये क्या भुना हुआ प्याज होता है जी? अरे वाह, तो ये मटन कोरमा हमारा तैयार है। तो इसकी क्वांटिटी कम क्यों बनाई गई है मटन? ये दोबारा बनता है शाम में ताजा। अच्छा, तो ये इतनी छोटी छोटी डेगों में बार बार बनता है जी। तो अभी क्या बनाने जा रहे हो? ये मटन हरी। तो कितने किलो बनने वाली है? 2 किलो। ये होगा टमाटर, इसको छाना क्यों जा रहा है? ये मोटे मोटे होते हैं ना, वो नहीं आ रहे। ये हो सौंफ, इतनी ये मेक के नहीं होती है नारी, नारी में ही डलती है बस। ये हो गई सौंफ, ये भी मेक के नहीं होती है, ये हो गया लाल मिर्च पाउडर। तो ये कितना डलेगा? ये अंदाज से डलता है। ये क्या है? ये मटन। कितना मटन रहने वाला है ये? 2 किलो। तो ये छोटी छोटी डेगों में बार बार बनाया जाता है जरूरत के हिसाब से। मुझे बताइए आपने सीखा किससे ये सब बनाना? बावर्ची के साथ काम करता था, शादी पार्टी का काम था मेरा, मैंने 1000-1000, 2000 आदमी का काम करना। क्या क्या बनाना आता? सब आइटम। तो ये क्या डालने जा रहा है इसमें? ये नारी का मसाला। नारी का मसाला, इसे डालने से क्या होगा? ये सबसे मेन यही तो है नारी का मसाला, आटा डलेगा, आटा लोहा बनता है ना इससे, नारी का, नारी में जरूर डलता है, शादी पार्टियों में ऐसे ही बनता है। अब ये हो गया, अब ये दम पे आएगी नारी। तो यहाँ पे कोयले रखे जा रहे हैं, जो मटन नारी है हाँ, वो दम पे रखी जाए। तो यहाँ पे डेग आ गई है और इसको रख दिया है अंगारों में। ये देखिए कलर मटन नारी, ये मटन नारी है। अभी क्या बनाने जा रहे हैं हम? चिकन नारी। तो ये क्या टमाटर की ग्रेवी रहेगी? ये ना मोटा मोटा घी में रुक जाते हैं। अच्छा इसी में रुक जाएगा। तो यहाँ पे 1 लीटर रिफाइंड इसमें डाला जा रहा है। तो ये क्या डल गया हमारा? अदरक लहसुन का पेस्ट। तो भैया मुझे बताओ ऐसा क्या जादू है स्वाद में, बिना प्याज के नहीं होता। तो अभी क्या डालने जा रहा है? ये चिकन, तो धुला हुआ चिकन है, 3 पानी से का जो खोल है इसको डाला जा रहा है। कितना टाइम लगेगा अभी से पकने में? 5 मिनट। बस 5 मिनट पक जाएगा भाई, ऐसा कलर हमने देखा ही नहीं कभी। भाई ये खाना बनाते हो, जादू बनाते हो? जी नहीं, खाना ही बनाते हैं। खाना ही बनाते हैं? तो लोग उंगलियां चाटते हैं जी, कहते मजा आ गया खाने में, ऐसा खाना नहीं खाया कभी ये पूरे बाड़े में। तो इसे बनने में आप कितना टाइम लगने वाला है? बहुत आ रहा हूँ, तो ये तो तोड़ के भी नहीं देखते, पता कैसे चलता है? नहीं कभी बता देता है। तो ये चिकन नहारी बन के रेडी है तैयार। तो ये क्या बनाने जा रहे हो? चिकन स्टू। चिकन स्टू बन रहा है। ये टमाटर प्याज, टमाटर और प्याज पीस के, टमाटर प्याज पीस के डाला हुआ है। तो यहाँ पे 1 लीटर तेल डल गया। ये साबुत गरम मसाला, ये हो गई पीली मिर्च, 100 ग्राम का पैकेट है। सही, पीली मिर्ची जी, ये आ गई हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डल गया, ये डल गया इसमें पानी। ये देखो इसका कलर पीला, ये पीली मिर्चों में बनता है इसको। तो यहाँ पे फ्राई करा हुआ प्याज मिला जा रहा है। तो यहाँ पे चिकन डल गया 2 किलो। ये क्या डालने जा रहे हो आप? ये साबुत लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, जीरा, तो ये सारा डालने जा रहा है। तो इससे क्या स्वाद और बेहतर होगा? हाँ, ये चिकन स्टू बिल्कुल तैयार है, बन के तैयार हो गया।
ये क्या डल रहा है इसमें? ये ऑयल क्यों डाला जाता है? जी ऊपर से डलता है ये, ताकि चिकनाहट रहे। अब ये बिरयानी पक गई। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद सलीम सिद्दीकी है। मुझे बताइए आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है? अल खातिर रेस्टोरेंट, मशहूर छोटी देग। छोटी देग लोगों का दिया हुआ नाम है। छोटी हांडियों में खाना बनता था पहले, तो उसी से लोगों ने उसको फेमस कर दिया। देग में खाना अच्छा बनता है, स्वाद अलग आता है। तो आपके नाम के आगे लगा हुआ है छोटी देग। छोटी देग, मशहूर छोटी देग। हमारी दुकान एक तो पुरानी ज्यादा है, 31 साल पुरानी दुकान है। जब हमारी दुकान, हमने यहाँ होटल खोला है, तो उससे पहले यहाँ चिकन की होटल थे ही नहीं, शुरुआत हमने की थी। तो कितने साल पुरानी दुकान होगी? 31 साल हो गए। मैंने सुना बिरयानी की अलग ही पहचान। जी हाँ जी हाँ, टेस्ट भी अलग ही है हमारा। तो बिरयानी का रेट क्या रहता है? बिरयानी का 220 रुपए किलो। तो ये देख सकते हो, ये लेग पीस है इसमें, और ये है यहाँ पे इसमें एक दूसरा पीस। क्वांटिटीज की बहुत बेहतरीन है, दो लोग यार इजीली खा सकते हैं। बिरयानी टेस्ट करते हो, मेकिंग आपने देखी, मेकिंग बहुत ज्यादा मजा आती है। टेस्ट करके बताते हो इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है। सो अगर बात करें ना टेस्ट की, मैंने इतनी बेहतरीन बिरयानी अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाई है। बहुत ही मजेदार वाला टेस्ट है। स्पाइसेस बिल्कुल सेटल है, आपको ऐसा लगेगा कि ओवर स्पाइसी है। 220 रुपए में यार और क्या लोगे, इतनी मजेदार क्वांटिटी मिल रही है, टेस्ट इतना बेहतरीन मिल रहा है, तो मैं फुल ऑन रिकमेंड करूंगी। लोकेशन और टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से लेके करीब करीब रात 12-1 बज जाते हैं। मतलब 12-1 बजे जाओगे तो खाना मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। लोकेशन क्या है? एड्रेस? लोकेशन मेन बाजार बारा हिंदराव, नियर बाई छोटी मस्जिद। की अगर आप दिल्ली में रहते हो तो बारा हिंदराव आके ये वाली बिरयानी एक बार जरूर ट्राई करें। तो मैं यहाँ पे बिरयानी इंजॉय करती हूँ अपनी टीम के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो मेरी तरह खाते रहिए।